रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ मैयर। आप किसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली मैयर करते हैं और आपको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, दैट मीन्स दैट टेस्ट, दैट प्रोसेस, दैट परफॉर्मेंस, दैट प्रोग्रेस इज़ रिलायबल। आप किसी किसी भी चीज़ को दोबारा अगर बार बार उस चीज़ को ओवर द टाइम या अक्रॉस द आइटम्स या अक्रॉस डिफरेंट रिसर्चर्स आप उस चीज़ को मैयर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट है जिसको दो लोगों ने टेस्ट किया, चेक किया, दो टेस्ट एक टेस्ट को दो लोग चेक कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट सेम है, या एक ही कंटेंट में से दो डिफरेंट रिसर्चर्स ने दो डिफरेंट टेस्ट बनाए लेकिन उसको जब कंडक्ट किया गया, एडमिनिस्टर किया गया, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको सेम मिलते हैं। दैट मीन्स दैट टेस्ट हैज़ दी रिलायबिलिटी और दैट टेस्ट इज़ रिलायबल। अक्सर ये वॉच इसलिए रखी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी वॉच को सेट करती हूँ 2:05 पे, तो जैसे ही 2 बजते हैं वो दूसरों के लिए 2 बजते हैं, मेरे लिए 2:05 हो चुके हैं, तो मैंने अपनी वॉच को 2:05 पे सेट किया हुआ है। मैंने कहा कि मेरी वॉच ऑलरेडी 5 मिनट दूसरों से फॉरवर्ड है, तो इस मेरी वॉच कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मुझे सेम रिजल्ट देती है, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी वॉच सेम रिजल्ट देती है, इसलिए ये रिलायबल है। या अगर आप डॉलिंस की एग्जांपल ले लें कि डॉलिंस रिलायबल है, टैगलाइन सुनी है आपने, तो वो डॉलिंस रिलायबल क्यों है? बेसिकली डॉलिंस के जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स से फीडबैक मिलता है कि आपको इतने कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कॉन्सिस्टेंटली डॉलेंस की कोई आपको कंप्लेन नहीं मिलती, उसकी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, एक्सेप्शनल केसेस को हटा के अगर आप देखें तो उनके जो फ्रिज होते हैं या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज आर वेरी मच रिलायबल, बिकॉज उसके रिजल्ट्स आपको सेम मिलते हैं, जहाँ पे भी वो यूज़ होते हैं उनके रिजल्ट्स पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। दैट मीन्स दैट थिंग हैज़ दी रिलायबिलिटी। देन वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब कि वॉट इट इज़ मैंट टू मैयर इट मस्ट मैयर, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वो उसी चीज़ को मैयर करेगी तो रिलायबल वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। जैसे कि वॉच में, अगर आप वॉच में क्या देखना चाहते हैं कि वॉच प्रॉपर काम करे और आपको सही टाइम दे, अगर वो वॉच आपको सही टाइम नहीं देती, वो रुक जाती है या उसके सेल नहीं है, उसमें कोई मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम है, दैट मीन्स दैट टेस्ट इज दैट वॉच इज़ नॉट वैलिड, वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि वो वैलिड रिजल्ट नहीं दे रहा। तो वैलिडिटी के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ आप जिस चीज़ को मैयर करना चाहते हैं वो उसी को मैयर करें, तो ही वो रिलायबल है, अदरवाइज वो रिलायबल भी नहीं है और अदरवाइज वो वैलिड भी नहीं है। अगर हम इसको रिलायबल और वैलिड रिजल्ट देखना चाहते हैं तो फर्स्ट पिक्चर जिसमें कोई चीज़ रिलायबल भी नहीं है, वैलिड भी नहीं है, वो इसलिए कि हमें जो रिलायबिलिटी में कॉन्स्टेंटली सेम रिजल्ट चाहिए वो इस रेड बटन के या रेड जो आपका डॉट है उस पे आपको अगर रिजल्ट्स मिलते हैं, सेम रिजल्ट आता है, दैट मींस वो टेस्ट रिलायबल है और वो वैलिड तभी होगा जब उसका टेस्ट वो उसी चीज़ को मैयर कर रहा हो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो। तो दैट मींस कि वो अगर वो तीसरे खाने में कहीं जाके उसको हिट करता है तो वो ना रिलायबल है ना वैलिड है। आपका टेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें, आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाया कि अल्फ़ाबेट्स सिखाए, अल्फ़ाबेट्स सिखाने के बाद आप उनका टेस्ट जो है वो नंबर्स पे ले रहे हैं और नंबर्स पे आप कहते हैं कि बच्चे नंबरिंग क्यों नहीं सीख जाते और उनका रिजल्ट ठीक नहीं आता, ना तो वो नंबर्स बता सकते हैं, ना आपका टेस्ट अकॉर्डिंग टू दी लेवल है, ना तो अकॉर्डिंग टू दी मैयरेबल है, क्योंकि आप बेसिकली बच्चों की कॉम्पिटेंसी लेवल देखना चाहते हैं अल्फ़ाबेट्स में और आपका टेस्ट ना वो मैयर कर रहा है ना उसके रिजल्ट्स वैसे आ रहे हैं। दैट मीन्स ना तो वो आपका टेस्ट रिलायबल है ना तो वो टेस्ट आपका वैलिड है। अब दूसरी सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको कॉन्सिस्टेंटली सेम रिजल्ट तो मिल रहा है लेकिन वो टेस्ट आपका सेम उसी चीज़ को मैयर नहीं कर रहा जो जिस चीज़ को उसने मैयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज़ को देखें कि आपका टेस्ट है मैथमेटिक्स का और आप बच्चों को से अल्फ़ाबेट्स का टेस्ट ले रहे हैं और आप देखते हैं कि मैथमेटिक की एबिलिटी चेक करनी है और चेक
आप थ्रू अल्फाबेट्स कर रहे हैं या आप इंग्लिश का टेस्ट ले रहे हैं. अब इंग्लिश के टेस्ट में बच्चे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सेम रिजल्ट्स उनके आ रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट आपका रिलायबल होगा, लेकिन वो आपका टेस्ट रिलायबल ना तो वो वैलिड होगा, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी हमें कंसिस्टेंसी पे, अगर सेम रिजल्ट आता है तो ठीक है वो रिलायबल तो है, लेकिन वो वैलिड नहीं है क्योंकि हमें वो चीज़ रिक्वायर्ड ही नहीं है. हम तो बच्चों की मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को देखना चाहते हैं, हम बच्चों की इंग्लिश को चेक नहीं करना चाहते. जहाँ आपको मैथमेटिक्स की रिलायबिलिटी, आपको कुछ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को दोनों को मिलाना है, तो आप वो टेस्ट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो टेस्ट आपका वैलिड होगा, और उसी पे ही आपको रिलायबल रिजल्ट्स मिलेंगे. रिलायबल रिजल्ट्स इस तरह से मिलेंगे कि आपका टेस्ट है इंग्लिश को, इंग्लिश का कंटेंट आपने पढ़ाया, अब इंग्लिश के कंटेंट पे आपने टेस्ट बनाया, टेस्ट बनाने के बाद आपने बच्चों से रिजल्ट देखे, तो रिजल्ट्स आपके 10 बार भी अगर उस चीज़ को मैयर कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर एंगल से उसको मैयर कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स और बच्चों की वो एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स दैट टेस्ट इज़ वैलिड एंड दैट टेस्ट इज़ रिलायबल. तो फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट यू नीड टू ब्रिंग द राइट इंस्ट्रूमेंट, फॉर राइट मटीरियल, राइट आप उसको टूल कह सकते हैं. अगर आपका टूल ठीक होगा तो आपको टेस्ट का जो रिजल्ट है वो वैलिड भी मिलेगा और वो आपको रिलायबल भी मिलेगा. सो फॉर एवरी थिंग यू नीड टू ब्रिंग रिलायबल एंड वैलिड टेस्ट, एंड वैलिड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट दी रिसर्च, व्हेन यू टॉक अबाउट दी टेस्ट, और व्हेन यू टॉक अबाउट दी इंस्ट्रूमेंट. सो यू नीड टू ब्रिंग रिलायबल एंड वैलिड टेस्ट एवरीवेयर.